और अब आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ। बद्री विशाल के दर्शन के लिए इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अक्सर लोग बद्रीनाथ के दर्शन के बाद लौट आते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन जगहों के बारे में जो कि बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और बेहद खूबसूरत नजारे आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जय बद्री विशाल का भाव मन में लिए श्रद्धालुओं का तांता भगवान के धाम में उनके भव्य दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहा है। चलते चलते कदम रुकते हैं, लेकिन आस्था की अलग ज्योति की तरह जलती रहती है। आज ये यात्रा अबाध रूप से जारी है, लेकिन अगर आपने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं तो आप वापस लौटने की जगह आगे बढ़िए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपको और भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम में अगर आप पहुंचे हो और आपके दर्शन हो चुके हो, उसके बाद आप सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से 500 मीटर की दूरी पे जो है लीला ढूंगी मौजूद है, जहां पे भगवान बद्री विशाल जी बाल रूप में भोलेनाथ और माँ पार्वती को मिले थे, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पे देश का जो अंतिम गाँव है माणा, जहाँ की हर कोई जाता ही है। भारत चीन सीमा पर मौजूद ये भारत का आखिरी गांव है जो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। माणा गांव गुफाओं से भरा हुआ है और कहा जाता है कि वेद व्यास ने गणेश को महाभारत के अपने प्रसिद्ध महाकाव्य का वर्णन इसी गांव की गुफा में किया था, जिसे अब व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। व्यास गुफा के पास ही मौजूद है व्यास पोथी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से स्वर्ग का रास्ता तय किया जा सकता है। माणा गांव में घूमने के लिए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक पहुंचकर सुंदर वादियों का दीदार करते हैं। बहुत सारे तीर्थ स्थल जो कि यहाँ की जो पवन मंद के साथ सुगंध के साथ इस भगवान बद्री विशाल जी के केदारखंड क्षेत्र को एकदम प्रभावित करती हुई जाती है, तो बहुत दिव्य स्थानों के आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं से आप पाप और पुण्य का फैसला करने वाले वसुधरा की तरफ भी जा सकते हैं। माणा गांव से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से गिरती जल की इसी धारा को वसुधारा कहा जाता है। कहते हैं जो इंसान पापी नहीं होता, उस पर इस रास्ते पर चलने पर दूर से ही इस पानी की बौछार के छींटे पड़ जाते हैं। बद्री विशाल के दर्शन के उपरांत यहाँ दिव्य तीर्थ स्थल का दर्शन यात्रीगण कर सकते हैं। बद्री विशाल से आगे माता मूर्ति मंदिर है, केशव प्रयाग, वसुधारा, लक्ष्मी वन, चक्र तीरथ, सतोपंत कुंड और आगे स्वर्गारोही का दर्शन कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। माणा गांव से चंद किलोमीटर दूर है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। सरस्वती नदी माणा से विलुप्त होकर सीधे प्रयागराज में दिखती है। व्यास गुफा के बाद सबसे पहले पहुंचते हैं भीम पुल, जो कि सरस्वती नदी के उद्गम पर बना हुआ है। कहा जाता है महाभारत के बाद स्वर्ग जाने के दौरान द्रौपदी रास्तों को पार नहीं कर पाई थी, तब भीम ने यहाँ सरस्वती के ऊपर चट्टान रखकर रास्ता बनाया था। आज इसी रास्ते को भीम पुल कहते हैं और यहीं पर सरस्वती नदी भी दिखाई देती है। वसुधारा रहेगा बद्रीनाथ जी के पास, यहाँ सरस्वती नदी दिखेगी और बाहर कहीं भी नहीं दिखेगी, खाली माना में दिखेगी सरस्वती नदी। भीम पुल से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर सबसे पहले लक्ष्मी वन आता है। कहते हैं महाभारत के बाद जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी ने यहीं पर सबसे पहले अपने प्राण त्यागे थे। इन तमाम धार्मिक स्थलों के भव्य दर्शन आप भी कर सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो बाबा बद्री विशाल के दर्शन के पश्चात थोड़ा और आगे बढ़िए, उन तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के भी भव्य दर्शन कीजिए जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिरोही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।